एक बार की बात है, एक जंगल में जंगली भैंसों का झुंड घूम रहा था, जिसमें एक छोटा बछड़ा भी अपने पिता यानी भैंसे के साथ चलने में लगा था। तभी वह छोटा बछड़ा बोला, पिताजी आप मुझे यह बताएं, क्या इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे हमें डरने की जरूरत है? भैंसा बोला, तुम बस शेरों से सावधान रहना। हाँ, यह मैंने भी सुना है कि शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक होते हैं। मेरी जिंदगी में अगर कभी भी मेरे सामने शेर आएगा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ लगा के भाग जाऊंगा, बछड़ा बोला। ऐसा करना तो बहुत ही बुरी बात हुई, यह ठीक नहीं हुआ, भैंसा बोला। बछड़े को यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, क्यों? शेर तो बहुत ही खतरनाक होते हैं और मैं अगर भागूंगा नहीं तो वो तो मेरी जान ले लेंगे और मुझे मार देंगे। भैंसा बोला, तुम ठीक कहते हो, परंतु अगर तुम शेर को देखकर भागने लगे तो वे तुम्हारा पीछा करने लग जाएंगे और तब भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर बहुत ही आसानी से हमला कर सकते हैं और तुमको नीचे गिरा सकते हैं। अगर तुम एक बार भी नीचे गिर गए तो समझ लो कि तुम्हारी मौत पक्की है। तो फिर मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बछड़े ने कहा। भैंसा उसे बड़ी गंभीरता से समझाने लगा और बोला, अगर कभी भी तुम शेर को देखो या उससे सामना हो जाए तब तुम अपनी जगह पर डटकर खड़े हो जाओ और उसे यह दिखाओ कि तुम बिल्कुल भी डरे नहीं हो। अगर वो वहां से न जाए तो उसे अपने तेज सींग दिखाओ और अपने खुरों को जमीन पर पटको। अगर फिर भी न जाए तो धीरे धीरे उसके सामने की ओर बढ़ो और फिर तेजी से पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर दो। ऐसा करने पर तो बहुत ही खतरा होगा, यह तो पागलों वाला काम हुआ, अगर शेर पलटकर मुझ पर ही चपट पड़ा तो, बछड़ा हड़बड़ाहट में बोला। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है, भैंसा बोला। बछड़े ने चारों तरफ देखा तो उसके आसपास ताकतवर भैंसों का बहुत बड़ा झुंड था। जीवन में अगर कभी भी तुम पर मुसीबत आए तो यह याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम उस मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग जाओगे तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, और अगर तुम हिम्मत करके उस मुसीबत का सामना करोगे तो हम सब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ आ जाएंगे। बछड़ा यह सुनकर खुश हुआ और अपने पिता को इतनी सीख देने के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मुसीबत हम सभी की ज़िंदगी में आती है, किंतु वही इस मुसीबत से लड़ सकता है जो हिम्मत करके उस मुसीबत का सामना करे। हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम डरते हैं और उस समस्या से भागना चाहते हैं, और जब हम भागने लग जाते हैं तो वह हमारा पीछा करती है और हमारा जीना मुश्किल कर देती है। इसलिए उन समस्याओं को देखकर भागे नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने के बारे में सोचें या मुसीबत से निकलने के लिए पूरे साहस के साथ लड़ते रहें। अगर आप उन मुसीबत या बुरे वक्त से नहीं डरोगे तो आपके परिवार वाले और दोस्त भी आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे।